आप देख रहे हैं एनएमटी न्यूज और आपको रखे सबसे आगे। बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार कर रही है। महाराष्ट्र के कुल 48 लोकसभा सीटों में से बीजेपी सहयोगी दलों के साथ मिलकर 45 सीटों पर जीत हासिल करना चाहती है। इसके लिए बीजेपी अपनी पार्टी के दिग्गज नेताओं, मंत्रियों और विधायकों को लोकसभा के चुनाव मैदान में उतार सकती है। इसके अलावा सेलिब्रिटीज को भी चुनावी टिकट दे सकती है। धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित, जाने माने वकील उज्ज्वल निकम के नाम की भी खूब चर्चा है। लोकसभा के चुनाव अगले साल अप्रैल मई में होने की संभावना है। चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व बेहद गंभीर है। उनके नेता किसी न किसी बहाने महाराष्ट्र का लगातार दौरा कर रहे हैं। हाल ही में गणपति बप्पा के दर्शन करने आए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव की समीक्षा बैठक की, संगठन की तैयारियों का जायजा लिया। पार्टी आलाकमान ने महाराष्ट्र के नेताओं से साफ कहा है कि चुनाव की तैयारियों को लेकर पार्टी किसी प्रकार की लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। गणपति उत्सव के बाद अब पार्टी के आला पदाधिकारी काम पर लग गए हैं। बीजेपी के दिग्गज नेता और राज्य के वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, ग्रामीण विकास मंत्री गिरीश महाजन, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, लोक निर्माण मंत्री रविंद्र चौहाड़, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, कौशल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा, चंद्रकांत पाटिल के अलावा पूर्व कैबिनेट मंत्री विनोद तावड़े, आशीष शेलार, सुनील देवधर के नाम की चर्चा है। लोकसभा चुनाव से बचना चाह रहे कई नेता,